मैं दुर्गे सोलंकी थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर। मेरे साथ वर्तमान में ग्राम पंचायत बोड़ा और सरपंच साहब आदू राम जी है, इनसे एक बार विकास के बारे में बात करेंगे। सरपंच साहब, अपने गांव में क्या क्या विकास हुआ एक बार बता दीजिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत बोड़ा का ग्राम पंचायत पधारने पर। हमारी ग्राम पंचायत बोड़ा में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत नरेगा के टांके पीएम आवास के कार्य हुए हैं। ये सरपंच साहब, ये तो केंद्र सरकार की योजना है जो टांके है, ये पीएम आवास है, और स्टेट गवर्नमेंट से कोई अपने गांव में विकास हुआ कोई, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में? स्टेट गवर्नमेंट से हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। एक दो कोई स्कूल कर्मोन्नत की, तो उसमें कोई स्टाफ है नहीं, तो उससे क्या मिला। तो पीएचडी विभाग में जैसे अपने कोई शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में कोई पीएचडी वगैरह आया नहीं? पीएचडी विभाग में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। टंकियाँ बना दिए लेकिन पानी नहीं आया अभी तक। और बाकी शिक्षा में कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। गांव में जैसे हर गांव में, कई गांव में, उधर मैं गांव में गया तो एक गांव में 100-100, 150-150 हेडपम्प दिए, अपने गांव में कोई दिया? हमारी ग्राम पंचायत में जो विधायक के खास आदमी थे उनके पहले से दो चार हेडपम्प घर में बने हुए थे, उन्हीं को ही एक दो दिए, बाकी किसी को भी नहीं दिया है। तो सरपंच साहब, ऐसा क्या कारण, आपसे कौन सी दुश्मनी थी जो कई गांव में 100-100 हेडपम्प, 50-50 या 10-10 बोरिंग दे दिए, 2-2, 3-3 पीएचडीटी दे दिए, स्कूल 2 की 4 कर्मबंद कर दी, पानी के बारे में देखा जाए तो सब सुविधा दी अपने गांव में, ऐसे आप कौन से रखा, क्या कारण क्या? पूर्व विधायक साहब ने देखा कि ये अपनी पार्टी के है नहीं, हमें वोट देंगे नहीं, इसलिए उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत को काम नहीं दिया कि ये भाजपा के, ऐसे उनके मन में था। लेकिन हम भाजपा के नहीं थे, हम सभी पार्टियों का समय अनुसार। सरपंच साहब, भाजपा कांग्रेस का ऐसा कोई कारण नहीं, एक बार जीत गए, जीतने के बाद में सबका विधायक होता है, वो तो पहले जीत के बाद वो सोचते, उसके बाद जीतने के बाद सबका विधायक होता है, उसका काम होना चाहिए, लेकिन आपके ऐसा भेदभाव क्यों रखा? उन्होंने हमारे साथ दोगला व्यवहार इसलिए रखा कि हमें वोट नहीं दिए, लेकिन जीतने के बाद में सब बराबर होते हैं, और इस वजह से हमें काम नहीं दिया, तो हमारी ग्राम पंचायत के लोगों का विकास रुका, और जो नियम अनुसार था वो हमने करवाया, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी जनता तक सड़क है, टाँके है, बिजली है, पहुंचाने का कार्य करेंगे। सरपंच साहब, 15 साल से अपने ग्राम पंचायत को इतना पीछे रख दिया, 15 साल में कोई काम नहीं दिया? नहीं, 15 साल में कोई काम नहीं दिया। सरपंच साहब का कहना है कि हमारा पंचायत में 15 साल से यहाँ के MLA नौकर थे, उन्होंने हर बार जीत के आते थे, लेकिन हमारे को पंचायत में काम नहीं दिया, हम VGP थे, VGP कांग्रेस की बात हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जीतने के बाद में सबका विकास होना चाहिए और सबका MLA होता है। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।